हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा कमेंट इसी ही वीडियो के लिए थे। चलिए देखते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सक्सेस है या नहीं। ये कलर की छोटी सी बॉटल है जिसमें स्काई डार्क ब्लू कलर है। देन हमारा सेकेंड मटेरियल टच, ये टच लकड़ी का पाउडर है जिसे हम मांजा बनाने के लिए प्रयोग करने वाले हैं। इसका प्रयोग मांजे के अंदर खूबसूरती और खुशबू के लिए ज़्यादातर तो किया जाता है। देन धागे के अंदर अच्छे से मजबूती और पकड़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारे पास में ग्लास पाउडर यानी कांच का बुरादा, जो सबसे अहम भूमिका निभाता है मांजे के रोल में। ईसा गोल के बीच का प्रयोग मांजे के अंदर इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर नेचुरल चिपचिपापन बना रहे और बीज ना गलने की वजह से लुद्दी एकदम टाइटनेस बनी रहती है, जिसकी वजह से मांजे के अंदर फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। चलिए जितना हमें ईसा गोल का यूज़ करना है उतनी मात्रा में हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे, और जब हम पानी इसके अंदर मिला के रखते हैं थोड़ी देर में तो उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से हमें मिलता है। पानी के अंदर थोड़ी देर रखने में ही यह एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार हम इंस्ट्रूमेंट से भी इसे चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, चिपचिपापन एकदम तार जैसे हो रहा है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. फिर आपको थोड़े से राइस बॉईल करने हैं जितनी आपको आवश्यकता है। तो मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार चावल थोड़े से उबाले हैं जितना मुझे यूज़ करना है। आप आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आप जिस पर भी लुद्दी बनाना चाहते हैं उस पर अपनी आवश्यकता के अनुसार चावलों को रखें। चलिए अब हमें थोड़ा सा ग्लास पाउडर का यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम ग्लास पाउडर चावल के अंदर इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारा जो हम मांड यानी हम जो लुद्दी बना रहे हैं तो कांच उसे काटता है, और काटने की वजह से हमारी लुद्दी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। तो एकदम महीन हो जाते हैं चावल के जो दाने होते हैं वो इसको एकदम काट देते हैं, और काटने की वजह से हमारी लुद्दी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है, जिसके अंदर हम अपनी इच्छा के अनुसार जड़ी बूटी या फिर और भी अलग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि लुद्दी बनाते समय इसमें ऐसे बहुत से मटेरियल का यूज़ किया जाता है जो मांजे को और भी बेहतरीन बनाता है, लेकिन हमें उन सब चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा मांजा बनाना चाहते हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए और अच्छा मांजा बन जाए तो हम वही मटेरियल इसके अंदर यूज़ करेंगे। अब हमें देखना यह है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है या फिर नहीं। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो का आप लाइक ज़रूर कर दें। आई होप आपने अभी तक तो वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। इसके अंदर हमने ग्लास पाउडर का फिर से यूज़ किया है, और ग्लास पाउडर का हमें तब तक यूज़ करना पड़ता है जब तक हमारा लुद्दी या फिर मांड बनकर तैयार नहीं हो जाए। ऐसा करते समय हमारे मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि हमारी लुद्दी तैयार हुई है या नहीं, हमें इसका पता कैसे चलेगा। जब तक आपकी लुद्दी फर्श से चिपकती रहती है तब तक आपकी लुद्दी बनकर तैयार नहीं होती है। इसका चिपचिपा ख़त्म करने के लिए आपको इसके अंदर ग्लास पाउडर का यूज़ करना पड़ता है। लुद्दी आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी एक अच्छे से बनाकर दिखाई है, क्योंकि मांजा बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है आपकी लुद्दी, क्योंकि यही मांजे के अंदर एक अच्छी जान देती है। ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, आपकी लुद्दी ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए और ना ही मीडियम, यानी मीडियम से हल्की सी आपकी लुद्दी गीली होनी चाहिए। गीली का अर्थ चिपचिपापन होना चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर आप लुद्दी बनाते हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपको मांजा बनाते समय आसानी हो। चलिए अब फटाफट से इसके अंदर हम ईसा गोल जो हमने पेस्ट बनाया था तो वो इसके अंदर मिलाएंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना अच्छा चिपचिपापन है, और ये नेचुरल बिल्कुल चिपचिपापन रखता है इसके अंदर। सेकंड, इसके अंदर हम कलर मिलाएंगे अपने हिसाब से। तो मैंने इसके अंदर कलर मिलाया है, आपको कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगा। तो इसके अंदर मैंने अपने हिसाब से कलर मिलाया है, और कलर का रंग है स्काई डार्क स्काई ब्लू।
बहुत खूबसूरत कलर है और इस पेस्ट को हम फटाफट से मिक्स करते हैं। फिर हमारा जो थर्ड मटेरियल है वो तज लकड़ी, यह भी मंजे के अंदर फिनिशिंग बनाए रखने के लिए और मंजे को बारीक करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ये मंजे के अंदर एक नेचुरल धार बना के रखती है। धार के लिए आप चाहें तो अरारोट या फिर आलू, उबला हुआ आलू का भी प्रयोग कर सकते हैं लुद्दी बनाने के लिए। सबसे बेस्ट माना जाता है अरारोट, क्योंकि वो सूखने के बाद में बहुत अच्छा टाइट बनता है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी लुद्दी तैयार हुई है और इसके अंदर हमने कुछ खास मटेरियल नहीं मिलाए हैं क्योंकि उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। चलिए फटाफट से लुद्दी तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं आसानी से हमारी लुद्दी बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन जब तक नीचे चिपचिपापन होता है तब तक हमें इसके अंदर ग्लास पाउडर मिलाना पड़ता है, क्योंकि जितनी अच्छी मात्रा में ग्लास पाउडर मिलेगा उतना ही हमारा मंजा धारदार और सर्दियों के हिसाब से बन पाएगा। देख सकते हैं हमारा जो मांड है वो बनकर तैयार हो चुका है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. सेकेंड कलर इसके अंदर मैंने पिंक मिलाया ताकि इसके कॉम्बिनेशन से एक अच्छा कलर बनकर आ जाए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. जैसा कि अब आप आसानी से देख सकते हैं कि लुद्दी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। हालांकि हमारी वीडियो लुद्दी पर बहुत लंबी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 7 मिनट से ज़्यादा, लेकिन यही मांजा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। अब चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं मेन प्रोसेस, यानी लुद्दी बनाने के बाद में सबसे अहम बातें जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो हमें कौन कौन सी याद रखनी होती है। पहली, आप कभी भी मंजा तानते समय घट्टी को इस प्रकार से ना खोलें, यानी कोई भी सिंपल धागा इस प्रकार से ना खोलें। आपको हमेशा कंडीशन ऐसी रखनी पड़ती है ताकि आपके धागे के अंदर बल नहीं आए। बल ना आने की वजह से आपका मांजा बहुत अच्छा बनता है, एकदम सफाई और फिनिशिंग वाला। तानते समय आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी आप धागे को तानें तो वो एकदम टाइट होने चाहिए। जितना अच्छा आप तानेंगे उतना ही अच्छा आपका मांजा बनेगा। एक बल्ली से दूसरी बल्ली पर धागा बांधते समय एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि धागा आपस में ना मिले, और जितना अच्छा आप तानेंगे उतना ही अच्छा आपकी सुताई होगी, और सुताई होने की वजह से आपका उतना ही अच्छा मांजा बनकर निखरेगा। तो आप हमेशा धागे को टाइट बांधें जिससे आप सुताई आसानी से कर सकें और किसी भी प्रकार का आपके धागे के अंदर बल नहीं आए। यानी जब भी आप धागे को टाइट बांधेंगे एक बल्ली से दूसरी बल्ली से, जिस प्रकार से आप आसानी से देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो इससे आपकी डोर के अंदर बल नहीं आता है सुताई करते समय, और आपकी वही फिनिशिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी लोग एक गलत स्टेप हमेशा करते हैं, जितना भी मैंने आज तक देखा है, और वो गलती क्या है, वो गलती आप स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं। एक साथ धागे को पकड़ते हैं और उसके बाद लुद्दी को रखने के बाद में उसे सुताई करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक धागा दूसरे धागे से चिपकने की वजह से उसके अंदर गोलाई आने की बजाय उसके अंदर धार आना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो मांजा बनता है वो ख़राब होता है और खुदरा टाइप का, यानी गोल टाइप का बनने की बजाय एक जगह से मसाला हट रहा है, एक जगह से मसाला लग रहा है, यानी ऊपर खबड़ मांजा बन जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको मांजा बनाते समय फिंगर के द्वारा एक के ऊपर एक पकड़ना है और अलग अलग करके रखना है, उसके बाद आप सुताई करें। ऐसा करते समय आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब सुताई करेंगे धागे के ऊपर तो वो बिल्कुल भी गीला होगा, और जब वो सूखेगा तब जाके उसके अंदर धार बनेगी, और जब धार बनेगी तब आप आसानी से सिंगल कोडिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। ऐसा यूज़ हम घर पे आसानी से कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग जोखिम उठा लेते हैं घर पर कांच कूट कर बनाने के चक्कर में, यानी ग्लास पाउडर तैयार करने में, और सबसे अहम भूमिका वही निभाता है तो वो करे भी क्यों नहीं। आप देख सकते हैं ये मैंने सिंपली फर्स्ट कोडिंग की है। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, आप ग्लास पाउडर बरेली से या फिर आसपास जितने भी कारखाने हैं उनसे ले सकते हैं, लेकिन घर पर आप कांच पीसकर बिल्कुल भी ना बनाएं, तो ये सबसे गलत बात है।
जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर थर्ड कोडिंग कर दी है और ये दूसरी बल्ली साइड जो बची हुई है ये उस जगह हम करेंगे अच्छे से। इस प्रकार से आपको एक धागा दूसरे धागे के ऊपर पकड़ना है और आप आसानी से सुताई कर सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल ईजी है ये सब, आपको एक धागा दूसरे धागे से पकड़ना है ताकि आपका धागा आपस में ना चिपके और आप बिल्कुल ईजिली सुताई कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब फाइनली हम रिज़ल्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा धागा फिनिशिंग वाला बना भी है या फिर नहीं। चलिए एक बार हम चेक करते हैं। अब आप आसानी से देख सकते हैं मांझे की क्वालिटी, मांझा बहुत खूबसूरत बना है, बल खुला हुआ देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत मांझा बना हुआ है। और जितने भी अच्छे पतंग उड़ाते हैं या फिर अच्छे मांझा मेकर हैं वो क्वालिटी देखकर ही समझ जाएंगे कि किस क्वालिटी का मांझा बना हुआ है। हालांकि सामने दीवार आने की वजह से आपको थोड़ा अप डाउन देखने को मिल सकता है क्योंकि वो छेद वाली दीवार है, बाकी क्वालिटी बहुत खूबसूरत है। अगर एक धागा भी मैं आपको दिखाऊं तो एकदम गोल बना हुआ है और इसका एक एक धागा चमक रहा है, हालांकि मेरे दूसरे हाथ से बुरादा उतर रहा है देख सकते हैं आप क्योंकि वो थोड़ा सा गीला हो चुका है मसाले की वजह से। देख सकते हैं आप क्वालिटी बल खुला हुआ बना है, बहुत ही खूबसूरत, जो भी इसको उड़ाएगा उसको मज़ा आ जाएगा। एक चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ पहले, ये मैंने घर पे एक्सपेरिमेंट किया है क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था कि घर पर मांझा नहीं बन सकता है, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो आसानी से सब कुछ ईजी है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शुरुआत से ही घर पर ही मांझा बना है तो और हमेशा घर से ही बनकर जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं कोई मांझा बनाने वाला नहीं हूँ, तो आप किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टेक्ट ना करें और प्लीज़ मुझे किसी भी एक अच्छे मांझा बनाने वाले से कंपेयर बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये वीडियो मैंने आप सभी के प्यार के लिए बनाई है और आप सभी को दिखाने के लिए कि अगर हम कोशिश करें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जितने भी ग्रुप हैं आपको इस वीडियो पर शेयर ज़रूर करना ताकि जो भी लोग कोशिश करना चाहें तो वो कोशिश कर सकें, किसी भी प्रकार की निराश नहीं हुए। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लिया होगा।